नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे पीसीओडी की और पीसीओएस की। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि आजकल महिलाओं में एक आम बीमारी हो गई है। 15 साल से लेकर 30 साल की किशोरी और महिलाओं में यह बीमारी होने लगती है, और इसमें कम से कम 6 से 10% महिलाएं इसकी चपेट में आ रही हैं। इसका जो कारण है वो सीधे सीधे या तो जेनेटिक हो जाता है, या आपका अगर वेट आपका बड़ा है उससे होने लगता है, आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उससे भी यह है पीसीओडी की प्रॉब्लम हमें हो जाती है। और सबसे बड़ा कारण है इसका खान पान, रहन सहन और फिजिकल एक्टिव ना रहना, ये सबसे बड़ा इसका कारण है। तो और इसके लक्षण क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये बीमारी होने लगी है? हमारे जो पीरियड्स होते हैं उनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, और पीरियड्स हर महीने ना होकर बीच में गैप हो जाता है, 2 महीने 3 महीने बाद गैप में होने लगते हैं। या तो बहुत कम ब्लीडिंग होती है, या फिर बहुत ज़्यादा होती है, या पेनफुल होती है। और इसमें हम इससे प्रेगनेंसी में भी बड़ी दिक्कत आती है, कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हमारे चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, चेहरे पर या शरीर के किसी भी अंग पर बाल की मात्रा बढ़ने लगती है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं, और गंजापन भी इसमें होने लगता है। बाल भी हमारे अत्यधिक मात्रा में झड़ने लगते हैं, चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं, चेहरे का रंग काला पड़ने लग जाता है, और हमें डिप्रेशन होने लगता है। डिप्रेशन में भी हमें ये पता नहीं चलता कि हमें डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता, वो अंदर ही अंदर हमें होता रहता है। हम उदास होते रहते हैं, हम नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आते रहते हैं, तो वो सब डिप्रेशन का ही कारण होता है। इसमें हमें माइग्रेन पेन भी होने लगता है। तो दोस्तों, एक छोटी सी बीमारी में कितने सारे हमारे को परेशानी होती है आप देखें। तो इसका उपाय है योग के द्वारा। योग एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है, जिससे हम अपनी किसी भी बीमारी को दूर कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा हमें खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है। पीसीओडी में अगर हम खान पान को ठीक कर लें, अपने लाइफ स्टाइल को हम चेंज कर लें, उसके साथ साथ हम योग कर लें, तो हमें कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है। आप करके देखिए, आपको बहुत जल्दी फायदा होगा और आप बिल्कुल 100% आप ठीक हो जाएंगे। पीसीओएस में थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, प्रेगनेंसी में हमें दिक्कत आती है, कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो इसमें हमें थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन पीसीओडी में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लाइफ स्टाइल और योग के द्वारा हम बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। पीसीओएस में थोड़ी हमें दवाइयाँ भी लेनी पड़ती है, और योग के माध्यम से भी ठीक हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। डिब्बा बंद जो आजकल मार्केट में चीज़ें आती हैं, वो आप कुछ भी ना लें, आप उन चीज़ों को नहीं लेंगे, योगाभ्यास करेंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे, तो आपकी जो ये बीमारी है ये कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल क्योर हो जाएगी योग और इसके माध्यम से। तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपकी आज पीसीओडी के और पीसीओएस की मैं आपको योगाभ्यास कराने वाली हूँ। इसकी जो एक्सरसाइज है, योगासन है, प्राणायाम है, बहुत ज़्यादा है, कि एक वीडियो अगर मैं बनाती हूँ तो काफ़ी बड़ी बन जाएगी, इसलिए मैं 2 भागों में इसको बना रही हूँ। आज पार्ट 1 बनाऊंगी, फिर मैं इसको पार्ट 2 बनाऊंगी। तो चलिए पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। आसन पर खड़े हो जाएं, दोनों टांगों में थोड़ा सा फासला हो, 4 से 5 इंच का। दोनों भुजाओं को तानते हुए इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर आएं, फिर इनहेल एक्सहेल नीचे की ओर। इसको हम 20 बार करेंगे। 3, 4। ध्यान रखना है, आपने इनहेल करते हुए ऊपर जाना है, एक्सहेल करते हुए ही आगे को आना है। आपके लंग्स भी इसमें मजबूत होते हैं। इसको कम से कम 20 बार कीजिए आप, क्योंकि अगर आपने अपनी बीमारी को भगाना है तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सब चीज इतना आसान नहीं होता है।
इसको आप कम से कम 20 बार कीजिए। धीरे से वापस आ जाएं, यहाँ से दोनों टांगों को फैला लें, दोनों टांगों में कंधों से अधिक फासला हो, दोनों टांगों में अधिक से अधिक फासला हो। राइट हैंड को ऊपर ले जाएं, इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए नीचे आएं और दूसरी भुजा को ऊपर ले जाते हुए अपनी गर्दन को भी ऊपर की ओर मोड़ लें। एक्सहेल, वापस, फिर इनहेल, एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसी पोजीशन हो, देखिए सामने, वापस, राइट हैंड, वापस, लेफ्ट हैंड। इसको भी आप कम से कम 10-10 बार कीजिए। एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। दोहराते जाएंगे इसको। इसको आप 10 बार राइट से कर लें और 10 बार लेफ्ट से करें। धीरे से वापस, एक बार डीप ब्रीथिंग लेकर विश्राम ले लें। यहां से दोनों हाथ कमर में लाएं, अपनी राइट लेग को आगे की ओर 10 बार कीजिए। इसको आगे आगे लेकर आएं, और 10 टाइम्स राइट साइड। वापस, अब लेफ्ट से करेंगे इसको हम 10 टाइम्स आगे की ओर और 10 टाइम्स लेफ्ट की ओर। टेन टाइम्स लेफ्ट की ओर, धीरे से वापस, एक बार डीप ब्रीथिंग लेकर विश्राम लें। यहीं से हम बैठ जाएंगे आसन पर, दोनों टांगे सीधी कर लें, एड़ी पंजों को मिला लें, पश्चिमोत्तानासन। इनहेल करें और दोनों भुजाओं को तानते हुए ऊपर ले जाएं, बॉडी को स्ट्रेच करें, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आएं। जितना भी आप जा सकते हैं उतना आप जाएं, ये ना सोचे कि मेरा माथा नहीं लग रहा है, मेरे हाथ नहीं जा रहे हैं, जितना भी हो रहा है। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल,
इसको कम से कम 10 बार करें। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब यहाँ पर नीचे आने पर अपनी मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को ऐसे पकड़ करके और दोनों अंगूठों को ऐसे आप पकड़ लें और जितना भी आप नीचे जा सकते हैं उतना जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपका माथा घुटने से लग जाए, नहीं लगेगा कोई परेशान होने की बात नहीं है, जहाँ तक होता है उतना करें। और अंगूठों को खींचते हुए कोहनियों को आसन से लगाएं और माथे को नीचे लगाएं, थोड़ा सा होल्ड करें। अब इनहेल करें और धीरे धीरे भुजाओं को फैलाते हुए वापस आ जाएं। एक बार डीप ब्रीथिंग ले लें। यहीं से दोनों टांगों को अधिकाधिक फैला लें, दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे फंसा लें। और दोस्तों यहाँ से हमने चक्की चलानी है, जैसे पुराने जमाने में हमने तो कह नहीं, हमारी दादी ने नानियों ने गेहूं पीस के घर में ही आटा बनाते थे और उनकी फिजिकल एक्टिविटी ऐसे ही हो जाती थी घर के काम करने में। लेकिन आजकल फिजिकल वर्क बिल्कुल ही खत्म हो गया है, आजकल सारे काम खड़े खड़े होने लगे हैं, इसीलिए हमें ये प्रॉब्लम भी हो रही है। पहले जमाने में तो पीसीओडी जैसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, क्योंकि आजकल कुछ काम ही नहीं है, सब काम खड़े खड़े कर रहे हैं। बच्चे भी कुछ काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका मेंटली इतना वर्क होता है। 10 बार इसको घुमा लें। दस बार इसको उल्टा घुमा लें। यहाँ से कोशिश करेंगे आपकी कोहनियाँ सीधी रहें, पंजे आगे की ओर खींचे हुए रहें। दोस्तों हमारे जमाने में जब हम छोटे थे, 8-9 साल के ही थे, तो हम घर में खुद अपने हाथों से ही झाड़ू पोछा लगाते थे जब हम बच्चे थे। लेकिन और उस समय हमें ऐसी कोई परेशानी भी नहीं होती थी, कोई ऐसी बीमारी ही नहीं थी, हम खुद ही सारा काम झाड़ू पोछा सारा काम खुद ही करते थे, क्योंकि झाड़ू पोछा भी घुटनों के बल बैठ बैठ के हम पोछा लगाते थे, तो कैसे हमें कोई बीमारी होगी। धीरे से वापस आ जाए, क्योंकि चक्की चलाने से जो हमारे नीचे का नाभि से नीचे का जो पेट है, हमारा जो ओवरी वाला भाग है, वो पूरा इसमें प्रभावित होता है, इसीलिए ये हमारे पीसीओडी के लिए बहुत लाभकारी है। एक बार डीप ब्रीथिंग ले लें। अब यहीं से दोनों टांगों को आपने फैला के रखा है, ऐसे रखेंगे, दोनों हाथों को कंधे के सीध में ले आए। इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए आगे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, 10 टाइम्स करेंगे। इनहेल एक्सहेल, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस टांगों को ऐसे ही फैला के रखेंगे। एक बार डीप ब्रीथिंग ले लें। यही सम करेंगे कमर चक्रासन। कमर चक्रासन, राइट हैंड को ऊपर ले जाएं, लेफ्ट को पीछे रखें, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट लेग की ओर जाएं और अपने हाथ को पैर की उंगलियों से आगे ले जाने की कोशिश और माथे को घुटने से आगे ले जाने का प्रयास करें। एक्सहेल, दूसरे हाथ, इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए नीचे ऊपर। इसको हम 10 बार करेंगे राइट से और 10 टाइम्स करेंगे लेफ्ट से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से भुजाएं वापस, टांग वापस, थोड़ा सा घुटनों को ऊपर नीचे कर लें। कहीं भी कोई स्ट्रेच आया होगा तो ठीक हो जाएगा। दोस्तों एक बहुत सुंदर क्रिया, कैट पोज में आ जाएं। दोनों टांगों को कंधों के बराबर खोलें, कैट वॉक, और यहां से चलें आगे और पीछे, घुटनों के बल आगे पीछे। कम से कम 20 राउंड आप लगाएं, 10 बार आगे की ओर और 10 बार पीछे की ओर। धीरे से वापस, यहीं से हम लेटेंगे पीठ के बल। दोस्तों दोनों हाथ रखें सर के नीचे, दोनों टांगों को उठाएं, ऊपर लाएं, एड़ी पंजों को मिला के रखें, तान के रखें और इसको घुटनों को मोड़ते हुए पीछे की ओर 10 times करें इसको भी। 2 3 घुटने आपके मुड़ने नहीं चाहिए। 4 5 6 7 8 9 10 और 10 times सीधा करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टांगों को सीधा करें, एक बार डीप ब्रीथिंग लेते हुए रिलैक्स करें। दोस्तों यहीं से करेंगे हम साइकिलिंग, यहीं से करेंगे साइकिलिंग। साइकिलिंग करने का तरीका मैं एक बार आपको पहले बता देती हूँ, कई लोगों को पता नहीं चलता, वो ऐसे करते हैं साइकिलिंग, ऐसे ऐसे हिलाते हैं अपने टांगों को, तो इसका कोई फायदा नहीं है। साइकिलिंग जब आप करेंगे तो आपका एक घुटना बिल्कुल सीधा होगा और एक पूरा मुड़ा होगा, आपके दोनों जो पंजे हैं वो खींचे होंगे, जो सीधा है वो भी और जो मुड़ा है ये भी। और इसको हम ऐसे देखिए ऐसे गोलाई में चलाएंगे, हाथों को भी चलाएंगे। चलाते जाएं
आपके थाइस का भी फैट कम होगा इससे। इसका उल्टा करेंगे आप, ये देखिए विपरीत, पीछे की ओर लाते हैं, पहले हम आगे की ओर ले गए थे, अब पीछे को लाते हैं ऐसे। हाथों को भी चलाते जाएं दोस्तों। कोशिश करें कम से कम 5 मिनट साइकिलिंग करने की। इसको आप खड़े होके भी कर सकते हैं, जिसको जॉगिंग कहते हैं, और लेट के भी आप कर सकते हैं। घुटनों के लिए अगर आप लेट के करते हैं तो आपके घुटने के लिए भी फायदेमंद है, लेकिन अगर आप खड़े होके जॉगिंग करते हैं तो आपके घुटनों के लिए ठीक नहीं है। इसलिए अगर घुटनों की भी प्रॉब्लम है तो आप लेट के करें इसको। धीरे से वापस आ जाएं। एक बार डीप ब्रीथिंग, लंबे गहरे श्वास लें और श्वास को बाहर निकालें। महसूस करें आपका शरीर एकदम ढीला हो रहा है, एकदम रिलैक्स हो रहा है, मन एकदम शांत, बहुत ही शांत। मन में विचार लाएं कि मेरी पीसीओडी की प्रॉब्लम और पीसीओएस की प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो रही है। धीरे से दाई करवट से उठकर बैठ जाए। तो दोस्तों ये थी पीसीओडी भागवन। कैसी लगी आपको मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य दें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, पीसीओडी पार्ट 2 में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें।